सर, आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है स्मार्ट वर्क की। लोग आप लोग को बताते हैं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क क्या होता है, बट कैसे होता है ये नहीं बताते। तो उसका पार्ट दूसरा है, वॉचिंग वेरिफिकेशन पे बात करने वाले हैं हम। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखूँगा, ट्राई करूँगा 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए, ताकि आप लोग टाइम सेव करो और स्टेप्स को ज़्यादा अप्लाई करो। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो यार, वॉचिंग वेरिफिकेशन कितने नंबर का आ सकता है? तो यार, 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है ये। फिर उसके बाद आपके कुछ सवाल और उसी जवाब में ही मेरी टिप्स छुपी हुई है। तो सर, पहला क्वेश्चन है कि सर, अगर 4 नंबर का आता है तो 4 पॉइंट इनफ है क्या? सर, आंसर गलत। 4 मार्क्स का मतलब 4 4 पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट पहले आपको लिखना है। जनरल, जनरल मतलब कि इंटरनल कंट्रोल कैसा होना चाहिए, या कैश में कलेक्शन हो है तो कैसी है। फिर कम से कम एटलीस्ट 4 पॉइंट मेन जो उससे रिलेटेड हो, उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर 2 पॉइंट, फिर जनरल वाले, कुछ भी लिख दो, उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया, इफ़ नहीं तो कौन सा होना चाहिए। सर, मैंडेटरी है क्या ऐसे एएस और सेक्शन को राइट करना? बिल्कुल सर, बहुत ही बड़ा वाला एएस आपको मैंडेटरी है लिख के आना, अदरवाइज़ आपको नंबर बहुत ही ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मार्क्स कितना एक्सपेक्ट करते हो आप अगर लिख के आते हो तो? अगर आप लिख के आते हो तो 3 नंबर का आता है तो आप 2 से 3 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। 4 नंबर का आता है तो भी आप 2 से 3 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था।